कायदे से मोहब्बत को किसी एक दिन में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन चलिए लोगों ने कम से कम मोहब्बत के नाम एक दिन तो किया। मोहब्बत दरअसल वो एहसास है जो हर दिल में रहता है, वो जज्बा है जो कायनात के जर्रे जर्रे में बिखरा है, और बस मोहब्बत की इसी एक फितरत पर नफरत को भी मोहब्बत से नफरत है। मुझे पाना बहुत आसान है, हर दिल में मेरे लिए एक कोना हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन मेरा साथ निभाना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो दुनिया का हर मर्द मजनू और फरहाद बन जाता और हर औरत शीरी या लैला होती। एक बार तो शहजादे सलीम ने अपनी मोहब्बत के लिए शहंशाह अकबर के सामने ऐलान कर दिया था कि उसकी तलवार मोहब्बत की हिफाजत करेगी। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है, हाफिज है आज न सिर्फ अनारकली की बल्कि मोहब्बत करने वाले उन तमाम इंसानों की। मैं तो एक एहसास हूँ जो हर दिल में रहता है, मैं तो एक जज्बा हूँ जो कायनात के जर्रे जर्रे में बिखरा हुआ है। बस इसी बात पर तो नफरत को मुझसे नफरत है, वो साये की तरह मेरे पीछे रहती है, उससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। जब से इंसान के दिल में मैं धड़की, सच बता रही हूँ, तब से वो पागलों की तरह मुझे जानने की कोशिश कर रहा है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जिसके अंदर छुपकर उस पर हुकूमत करती है और नजर भी नहीं आती। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं भी कहाँ निकल गई। वहां से निकलते निकलते तो सदियां बीत जाएंगी, लेकिन मेरा किस्सा खत्म नहीं होगा। और फिर ना आपकी इस मोहब्बत के पास वक्त है, ना मोहब्बत करने वालों के पास। तो आइए मैं आपको अपने उस सबसे ताजा चेहरे से मिलवाती हूँ जिसने सारी जंजीरों को झटके में तोड़ते हुए मेरी इबादत को अपना मजहब बना लिया।